स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे। एक बड़ी खबर की सेंट्रल एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए इस समय बड़ी खबर आ रही है। बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक दिवाली गिफ्ट दिया, 3% बढ़ोतरी की है डीए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरी डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई आइए आप तक पहुँचा दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी आज सेंट्रल एम्प्लॉयज एवं पेंशनर्स को दिवाली का एक बड़ा उपहार दिया है। जी हां, बता दें यूनियन कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा डिसीजन दिया है। महंगाई भत्ते यानी डियरेंस अलाउंस, जिसे हम आम भाषा में डीए कहते हैं, और इसके साथ साथ डियरनेस रिलीफ जिसे हम डीआर भी कहते हैं, इन दोनों में ही 3% की वृद्धि की है। 3% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे आपको बता दें कि 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। इसी के साथ ही अब सरकारी कर्मियों का डीए 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, इससे पहले की बात करें तो इसी साल जुलाई के महीने में केंद्र ने डीए और डीआर इन दोनों के रेट में 11% की बढ़ोतरी की थी, और इस वृद्धि से डीए के नए रेट 17% से बढ़कर 28% हो गई है। साथ ही साथ ये भी बता दें, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह वृद्धि यानी ये जो ग्रोथ लाई गई है डी ओ डी आर में 1 जुलाई 2021 से होगी, और इस वृद्धि के बाद जो महंगाई भत्ता है यानी जो डीए और इसी के साथ साथ डीआर है वो बढ़कर 31% हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी वर्ष 1 जुलाई को सरकार ने कर्मचारियों की 3 बकाया किस्तों की बहाली का अप्रूवल भी किया था, और कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को पेबल डीए को बेसिक पे या फिर पेंशन के 17% से बढ़कर 28% करने का निर्णय भी किया था। इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को पेबल डीए में 3% वृद्धि करने की मंजूरी दी गई है। ये नया अपडेट सामने आ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारी और इनके साथ साथ 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। जी हाँ दर्शकों, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस पर प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष 9488 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से पेबल यूनियन गवर्नमेंट के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस यानी डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ यानी डीआर की अतिरिक्त किस्त यानी एडिशनल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो एडिशनल इंस्टॉलमेंट जारी करने की मंजूरी भी दी है, और इसमें यह भी कहा गया है कि यह वृद्धि यानी ये जो ग्रोथ है डी ओ डी आर में इसे अप्रूव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, और जो 7th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिश हो उनकी रिकमेंडेशन पर आधारित है। जी हां दर्शकों, डीए और डीआर ये दोनों ही कारण के राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 9488.70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, ये पूरे साल का इस पर खर्च आएगा। दर्शकों यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से डीए में वृद्धि के बावजूद 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17% ही रखे जाने का फैसला किया था, और सरकार ने डीए को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बढ़ाया यानी कि इसमें पिछली किस्तों को जो पिछली इंस्टॉलमेंट थी उनको छोड़कर आगे की किस्तों आगे की इंस्टॉलमेंट्स में बढ़ोतरी लागू की है। जी हाँ, सेंट्रल जो 7th सेंट्रल पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के तहत जो है केंद्र कर्मचारियों यानी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज और इनके साथ साथ पेंशनर्स की भी बात करें तो इन दोनों के लिए साल में 2 बार डीए और डीआर डीएनएस अलाउंस और डीआर डीएनएस रिलीफ इनमें अमेंडमेंट होता है, और पहले साइकिल की बात करें तो वह जनवरी से और दूसरा साइकिल जो है वो जुलाई से शुरू होता है। दर्शकों लेकिन कोविड-19 के चलते जो पिछले 3 किस्ते हैं पिछले 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, और इसीलिए सरकार जुलाई 2021 से जो रेट्स है रेट्स में 11% की बढ़ोतरी की थी। दर्शकों ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष, एक खुशखबरी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज और इनके साथ साथ पेंशनर्स है उनके लिए एक अच्छी खबर आती है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक बड़ा अपडेट सामने दिया है। बड़ा अपडेट ये है कि 3% जो डीए और डीआर है
इनकी जो अलाउंसेस है उनमें 3% बढ़ाया गया है, 3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और एक ये अच्छी न्यूज है, सेंट्रल एम्प्लॉयज यानी सरकारी कर्मचारी और इनके साथ साथ पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट इस समय की। और आपको बता दें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने खुद ये जानकारी हमारे समक्ष दी है जो हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, दिवाली का एक बड़ा गिफ्ट दिया है सेंट्रल कर्मचारी और पेंशनर्स को यूनियन गवर्नमेंट ने, जिस तरह से 3% अलाउंस जो है, जो 3% डीए और डीआर है वो बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। ये थी पूरी अपडेट्स, ऐसे ही और भी अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिस ग्रुप में आपको हमारे सारे लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस मिल सकते हैं। आप उनको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये थी बड़ी खबर, ऐसे ही और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।